हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अनअकैडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डेली करंट मास्टर सीरीज। डेली करंट मास्टर सीरीज एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें मैं आपको करंट से रिलेटेड जो वाइटल इशूज हैं वो डिस्कस करता हूँ, वो बताता हूँ। वाइटल अपडेट्स, वाइटल इशूज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, एग्जाम के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट से शुरू करते हैं डेली करंट मास्टर सीरीज। ऑल यू नीड टू नो, आज तारीख है 15th of November, क्या अपडेट्स हैं आज के लिए फटाफट से देखते हैं जी। काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी बच्चों को जल्दी से जोड़ लीजिए। चलिए एक बार बाकी बच्चों को भी जल्दी से जोड़ लीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जी। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट बाकी के बच्चे भी जुड़ पाए। गाइस ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, यू कैन चेक दिस आउट। इसके अलावा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे भी मेरी क्लासेस चलती हैं, तो आप चाहे तो मुझे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है भाई साहब। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप वहाँ से ले सकते हैं। क्या बेनिफिट है सर? पूरा सिलेबस आपका एक जगह पर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंप्लीट होगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप कोर्स कर रहे होंगे, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज और क्विजेज यहाँ पर मिलेंगे, साथ ही साथ डाउट सेशंस होंगे, मतलब आपकी तैयारी साथ साथ में असेसमेंट से कुछ डाउट आता है तो वो डाउट क्लियरेंस भी हो जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, मतलब आपको मल्टीपल पेमेंट्स नहीं करने है ना। और सारी की सारी क्लासेस जो है वो लाइव है, बिल्कुल इंटरेक्टिव है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है आपके लिए है ना। डीएल लाइव मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको इस कोड को यूज़ करने से, और मेरा सपोर्ट मेरा गाइडेंस भी आपको थ्रू आउट द प्रोसेस मिलता रहेगा। ठीक है, तो यूज दिस कोड, गेट अ 10% डिस्काउंट एंड गेट माय सपोर्ट माय गाइडेंस। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज फॉर 44,000, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 64 और 3 ईयर का 81,000 के लिए है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डेली करंट मास्टर सीरीज आज तारीख है 15 नवंबर, देखते हैं क्या क्या है अपडेट्स। चलिए काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज द हिंदू ऑफ है ना, तो द हिंदू की क्लिपिंग्स आपको नहीं दिखेंगी और करंट अपडेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि दिवाली थी तो पॉल्यूशन और दिवाली इसी के अराउंड सारी चीज़ें घूम रही थी, तो करंट अपडेट्स ज़्यादा है नहीं हमारे पास आज के लिए। बट हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, शेड्यूल को फॉलो करना ज़रूरी है, टाइम टेबल को फॉलो करना ज़रूरी है, इसलिए आज भी थोड़े बहुत टॉपिक्स, जो 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, उनको तो देखेंगे ही। ठीक है, आइए फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं। आज सबसे पहला जो हमारा अपडेट है वो है 17th आसियान इंडिया वर्चुअल समिट है ना, आसियान और इंडिया के वर्चुअल समिट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया आसियान क्या है ना, इसके मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं, मैप पे देखेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आसियान का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया का आसियान के लिए क्या सिग्निफिकेंस, ये एजेंडा रहेगा हमारा। आइए देखते हैं, तो 17th है ना, 17वां समिट हुआ है। अच्छा, समिट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने दोनों साइड से जो टॉप लीडरशिप है उनकी मीटिंग होगी तब हम उसको बोलते हैं समिट। ठीक है, तो 17th समिट है, इस बार फोकस क्या है, रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक टर्मोइल, जो कोविड की वजह से इकोनॉमिक टर्मोइल हुई है उससे रिकवरी, और ब्रॉड बेस स्ट्रेटेजिक टाइज है ना, मोटे तौर पर जो सामरिक संबंध है उनको मजबूत करना और जो इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है पोस्ट कोविड टाइम पे उसको मजबूत करना। यहाँ पर एक जो हमारा आसियान ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आसियान जो है ये एक प्रकार का रीजनल ग्रुपिंग है ना, इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग होती है उसमें दो प्रकार के ग्रुपिंग हो सकते हैं, एक रीजनल ग्रुपिंग, एक सिंपली जिसको आप कहते हैं ग्लोबल ग्रुपिंग है ना। तो जैसे आसियान है ना, ये एक प्रकार का रीजनल ग्रुपिंग, आसियान इज अ रीजनल ग्रुपिंग, एक क्षेत्र स्पेसिफिक का ग्रुपिंग है। ठीक है, ग्लोबल ग्रुपिंग में क्या आ गया, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल ग्रुपिंग में, तो यूएन खुद एक ग्लोबल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रीजनल ग्रुपिंग है भाई, विच प्रमोट क्या, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मतलब आप इसका फोकस एरिया देखिए, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशन भी, मतलब फोकस एरिया काफ़ी ब्रॉड है इसका। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, अब आप 1967 जैसे ही देखते हैं तो अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस भी है, तो आपको पता होगा कि दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर है ना, कोल्ड वॉर। तो आसियान इज बेसिकली अ चाइल्ड ऑफ कोल्ड वॉर एरा है ना, आसियान जो है वो कोल्ड वॉर एरा का एक बच्चा है।
आप आशियान देखेंगे तो आशियान यानी कि ये सारे देश, कौन कौन से देश, ये सारे देखो, ये सारे देश है ना चाइना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चाइना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कोल्ड वॉर एरा वॉज एन एरा ऑफ आइडियोलॉजिकल फाइट, है ना, किसकी आइडियोलॉजी प्रिवेल करेगी, किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, वो फाइट था। आइडियोलॉजिकल फाइट में एक तरफ, आइडियोलॉजिकल लड़ाई में एक तरफ है यूएस और कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ है रशिया, चाइना और इनका कम्युनिज्म। तो यूएस को ये डर था कि ये कंट्रीज जो कि रशिया और चाइना के थोड़े पास में हैं, इन पर कहीं चाइना अपना कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश ना करे, इसीलिए यूएस ने यहाँ पर इन कंट्रीज़ को मोबिलाइज किया और इनको एक ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की और इनको बोला कि भैया आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, आपको जिस भी प्रकार की ज़रूरत होगी हम आपको देंगे। तो आप कह सकते हैं कि बैक चैनल से, पीछे से, है ना, यूएस ने इसको सपोर्ट किया आशियान को, मतलब इन कंट्रीज़ को आशियान बनाने के लिए। तो फिर शुरुआत में कौन कौन से कंट्रीज़ ने मिल के बनाया आशियान, फाउंडिंग फादर्स कौन है इनके, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है नैम, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडोनेशिया बड़ा आगे आगे था शुरुआत में, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया तो इंडोनेशिया आगे आगे था, इंडिया भी था, इंडोनेशिया भी था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बोल रहे हैं हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना हम यूएस की साइड जाएंगे ना रशिया की साइड जाएंगे, ठीक है। आप देखिए 67 में, अभी आज हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए नैम का रेलेवेंस है क्या, 67 में इंडोनेशिया ने पार्टी बदल ली भाई साहब, है ना। आशियान इट्सेल्फ इज अ ब्रेन चाइल्ड, है ना, इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए तो इंडोनेशिया गया उसमें, है ना। तो आज अगर हम नैम से थोड़ा हट रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकली हम कहते नहीं कि हट रहे हैं बट प्रैक्टिकली हट ही रहे, तो अगर हाँ आज हम नैम से हट रहे हैं तो भैया बाकी के लोग तो पहले ही हट गए, इंडोनेशिया। तो आशियान डिक्लेरेशन या जिसको हम बैंकॉक, क्योंकि बैंकॉक में हुआ था इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए इन देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, पांच देशों ने मिलकर इस ग्रुपिंग की स्थापना की, आशियान की स्थापना की। आगे चलकर इसमें पांच और देश मिले, अभी इसके टोटल 10 मेंबर हैं, एक बार फटाफट से देख लो कौन कौन से मेंबर्स हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का पड़ोसी म्यांमार, है ना, इंडिया का पड़ोसी म्यांमार, फिर म्यांमार के साथ में पास में ही है ये थाईलैंड, ठीक है, दिस थाईलैंड, थाईलैंड के पास में यहाँ पे है, अगर आप गौर से देखेंगे तो लाओस, थाईलैंड और लाओस बिल्कुल साथ साथ, थाईलैंड और लाओस से जैसे ही आप थोड़ा सा साउथ आएंगे या साउथ ईस्ट जाएंगे आपको मिलेगा वियतनाम, ठीक है, यह वियतनाम साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ। वियतनाम से आप जैसे ही इधर जाएंगे आपको मिलेगा यहाँ पे कंबोडिया, ठीक है, तो वियतनाम और कंबोडिया आपको देखने को मिला। यहाँ आप नीचे और आएंगे, ये जो मलय पेनिनसुला बोलते हैं इस जगह को, पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला कोई भी ऐसी जगह जो तीन साइड से ओशन से सराउंडेड हो, यहाँ आप देखिए इधर समंदर, इधर समंदर, इधर समंदर, सिर्फ एक साइड लैंड है, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला है, इसलिए देश का नाम पड़ा मलेशिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ये यहाँ पर जो देश है वो है सिंगापुर, राइट, सिंगापुर, और फिर इधर है इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे है फिलीपींस, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, और ये है आपका छोटा सा यहाँ पे ब्रुनेई, है ना, ब्रुनेई इस रीजन का काफ़ी छोटा कंट्री बट काफ़ी रिच कंट्री, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज है इनके पास, ऑयल एंड गैस का रिसोर्स है इसलिए काफ़ी रिच कंट्री है ये ब्रुनेई, ऑल्दो बहुत छोटा सा है बट काफ़ी रिच कंट्री है, ठीक है। तो ये 10 मेंबर हैं अभी प्रेजेंटली इसके, आशियान के 10 मेंबर हैं। आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा, गो एंड फाइंड आउट आफ्टर द क्लास, एक ग्रुपिंग है बिम्स्टेक, है ना, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के कौन कौन से मेंबर्स हैं और कौन से मेंबर्स बिम्स्टेक और आशियान में कॉमन है, कौन से मेंबर्स बिम्स्टेक और आशियान में कॉमन है वो देखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया आपका होमवर्क, अब आ जाइए इधर, ये मेंबर्स देख लिए आप लोगों ने, इसको बिल्कुल दिमाग में कैप्चर कर लो, ठीक है, दिमाग में कैप्चर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो आशियान डिक्लेरेशन के साथ हुआ, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब बात करते हैं कि भैया कि इसका चेयरमैन कौन बनता है, तो इसकी चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट करती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो इस बार अभी चेयरमैन कौन है, अभी चेयरमैन है वियतनाम, वियतनाम के ही इन्विटेशन पे इंडिया ने अभी समिट में पार्टिसिपेट किया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता है। तो वियतनाम के बाद अगला चेयरमैन कौन बनेगा आप ही बताइए मुझे, हु विल बी द नेक्स्ट
चेयरमैन ऑफ आसियान आफ्टर वियतनाम? फटाफट से बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। जिन लोगों ने अभी तक लाइक वेक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना यार वीडियो को, सो दैट बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए। जल्दी से बताइए जी, अगला चेयरमैन कौन होगा? इस बार वियतनाम है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही जी, बहुत बढ़िया आदित्य करें। चलो, तो इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है। ये इंडिया का है ना, इट इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना, भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो एशियन इकोनॉमी है ना, उसमें काफी सेंट्रल रोल है इस ग्रुप का, और मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के मामले में, क्योंकि इस ग्रुपिंग ने, आसियान ने, 6 अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है ना, FTA साइन कर रखा है। कितने देशों के साथ? 6 अलग अलग देशों के साथ इसने FTA साइन कर रखा है। इसके अलावा जो एक ग्लोबल ग्रुपिंग है RCEP है ना, इसके भी नेगोशिएशन को लीड यही कर रहा है, इसके भी नेगोशिएशन को स्पीयर हेड है ना, ड्राइव यही आसियान ही कर रहा है। तो इस रीजन के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है ये। हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है आसियान का? देखिए, सबसे पहले तो हमारी एक ऑफिशियल पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। पहले क्या नाम था? लुक ईस्ट। अब इसका नाम हमने चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट। मतलब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम दिखाना चाह रहे हैं कि ईस्टर्न जो हमारे रीजन्स है ना, जो हमारे इमीडिएट नहीं, जो हमारे नेक्स्ट टू इमीडिएट नेबर्स हैं, हालांकि उसमें एक इमीडिएट भी आ गया हमारा म्यांमार है ना, इमीडिएट और जो हमारी ईस्टर्न नेबरहुड है, एक्सटेंडेड नेबरहुड ईस्ट में, उनके लिए हमारी एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाने के, इनके साथ पॉलिटिकल पार्टनरशिप, इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए ये इनिशिएटिव है। अब चूंकि प्रेजेंटली हमारा चल रहा है चाइना के साथ खटपट, इंक्लूडिंग द लद्दाख स्टैंड ऑफ, तो ऐसे में आसियान का जो रोल है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो तो उसके आसपास के घर वाले हमारे सपोर्ट में रहे तो क्या बुराई है बॉस, इसलिए आसियान का सपोर्ट ज़रूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो आसियान है उसको कोहेसिव और रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? आसियान को कोहेसिव और रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव है ना एंड कोहेसिव, एकजुट होना चाहिए। सही बात है, ठीक है, तभी रीजनल ग्रोथ हो पाएगा। तो एक तो आस्पेक्ट ये है, आसियान का इंपॉर्टेंस है हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से, चाइना के साथ हमारी खटपट चल रही है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरे इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसकी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं आपके साथ, तो इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इंडिया को इस रीजन के सिक्योरिटी की चिंता है, कोई डोमिनेट ना कर पाए यहाँ पे, तो उसके लिए भी आसियान कंट्रीज जो है, ये आप मेंबर्स देखिए, सारा इंडो पैसिफिक रीजन ही तो है, तो इसके लिए भी आसियान के साथ हमारा बढ़िया रिश्ता होना मांगता है ना। इंडिया का एक इनिशिएटिव और है, हाँ गया जी, इंडिया का एक इनिशिएटिव है सागर। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, इसके लिए भी आसियान इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज सीन एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वन इफ वन इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो आपको बाकी लोगों से रीजन में कोऑर्डिनेट करके ही चलना पड़ेगा, तभी आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं, अदरवाइज आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बन सकते। कोविड के टाइम में हमने देखा कि ग्लोबल ट्रेड में एक इशू हुआ। अभी मैं आपको जब पिछले सैटरडे योजना मैगजीन करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, एक इशू अभी देखने को मिल रहा है कि जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्ट हो सकी। अब जैसे चाइना के साथ हम ट्रेड करते थे, हमारा चाइना के साथ ट्रेड थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम अब देख रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए और हमारी इकोनॉमी थोड़ी रेजिलियंट हो जाए, रेजिलियंस है ठीक है इकोनॉमी में भी और सप्लाई चेन्स में भी। तो इसीलिए हम जब डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कंट्रीज भी जो है वहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंट्रीज हैं, मतलब इकोनॉमी के टर्म से काफ़ी इमर्जिंग हैं ये लोग और टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आसियान के बारे में, आसियान के। अच्छा, एक आस्पेक्ट और रह गया, इंडिया के लिए आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो बता दिया। आसियान के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम पॉइंट है बॉस, सेम पॉइंट है। आसियान के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एजर्ट कर रहा है रीजन में है ना, और इंडिया ही है जो बैलेंस कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात,
इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इफ दीज कंट्रीज वॉन्ट टू ग्रो एंड इमर्ज एज प्रोड्यूसर्स एज मैन्युफैक्चरर्स, तो इंडिया उनको काम आना ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो एशियन रीजन है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ एशियन रीजन, तो जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वहाँ पे एशियन रीजन का वॉइस रखने के लिए, है ना, वॉइस रेज करने के लिए इंडिया जो है वो एक इनका आप कह सकते हैं अनटोल्ड लीडर जैसा भी है, ठीक है। चलिए अगला है अपडेट INS वागीर के बारे में। INS वागीर जो है वो एक सबमरीन है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, पनडुब्बी है, है ना, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है। तो INS वागीर जो है वो स्कॉर्पिन क्लास का सबमरीन है, स्कॉर्पिन क्लास, है ना, स्कॉर्पिन क्लास ऑफ प्रोजेक्ट 75, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75, उसका पनडुब्बी है ये। प्रोजेक्ट 75 क्या है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। नाम है इसका वागीर, नाम है वागीर। तो इसको लॉन्च किया गया है अभी मुंबई में, एक पोर्ट वो है, डॉक है मजगांव डॉक, तो वहाँ पे मजगांव डॉक में इसको अभी लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के लिए। तो जो पहला वागीर है, ये दूसरा वागीर है दरअसल, है ना, दिस इज सेकंड वागीर। पहला वागीर को रशिया से लिया था हम लोगों ने 3 दिसंबर 1973 को, है ना, 3 दिसंबर 1973 को पहला वागीर जो है वो इंडियन नेवी में शामिल हुआ था। 2001 में इसकी विदाई हो गई, है ना, 2001 में विदाई हो गई, मतलब लगभग 3 डेकेड्स वागीर ने इंडियन नेवी को और इंडिया को सर्व किया। तो 3 डेकेड के सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी हम लोगों ने जो पनडुब्बी बनाई उसका भी नाम फिर हम लोगों ने वागीर रख दिया। तो डेट वॉज बेसिकली, दिस इज बेसिकली रिकॉग्निशन टू द ओल्डर सबमरीन, ठीक है। चलिए कहाँ बना ये, मजगांव डॉक मुंबई में, वहीं पे लॉन्च भी किया गया, और एक कंपनी भी है मजगांव डॉक लिमिटेड, है ना, मजगांव डॉक लिमिटेड, MDL, मजगांव डॉक लिमिटेड। तो MDL ने ही बनाया है इसको, इंडियन नेवी के लिए बनाया, किसने इसको, MDL ने, ठीक है। चलिए तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर सैंड फिश, है ना, डेडली डीप सी प्रीडेटर। वागीर जो है वो एक प्रकार का सैंड फिश है, ठीक है, जो क्या है, डीप सी प्रीडेटर है। मतलब डीप सी प्रीडेटर मतलब जो समंदर की गहराइयों में रहने वाला जो प्रीडेटर हो, प्रीडेटर मतलब जो दूसरों को पकड़ के मार के खाता हो, ठीक है। तो डीप सी प्रीडेटर है वागीर। ये पार्ट है कावेरी क्लास सबमरीन का, है ना, पार्ट ऑफ कावेरी क्लास सबमरीन जो एंटायरली इंडिया में बन रहा है, कावेरी क्लास सबमरीन जो एंटायरली इंडिया में बन रहा है। और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या इंश्योर करता है यहाँ पे, सुपीरियर स्टील्थ फीचर। सबसे पहला टर्म तो यही है, स्टील्थ फीचर क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक बार फटाफट से लिख लीजिए स्टील्थ फीचर क्या होता है। तो स्टील्थ फीचर का मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा डेवलप करना, अलग अलग प्रकार से किया जाता है स्टील्थ के लिए, अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है, एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती है, इस प्रकार से डेवलप करना कि शिप जो है, है ना, कोई कोई सबमरीन जो है या कोई भी ऐसा आपका क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, मिसाइल वगैरह में, तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करना मतलब हो जाए वो कम विजिबल हो जाएगा, कम विजिबल हो जाएगा मतलब आँखों से, खुली आँखों से नहीं, रडार के लिए, इंफ्रारेड के लिए, है ना, रडार और इंफ्रारेड के लिए वो ज़्यादा, मतलब रडार और इंफ्रारेड उनको कैच नहीं कर पाएगा, उनके लिए विजिबिलिटी लेस हो जाएगी, उसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो बढ़िया सुपीरियर स्टील्थ टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक लगा रहे हैं, है ना। अच्छा हाँ, चूँकि हम सबमरीन की बात करें तो यहाँ पे हमको सोनार की भी बात करनी पड़ेगी, है ना, सोनार से भी बचाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सोनार रडार इंफ्रारेड सबसे बचाता है। तो एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक लगाना पड़ेगा हमें, लो रेडिएटेड नॉइस लेवल्स और हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप, ठीक है। तो सुपीरियर स्टील्थ टेक्नोलॉजी देने की कोशिश है। दूसरा है कि प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स यहाँ से लॉन्च किए जा सकेंगे, बिल्कुल मिसाइल विसाइल लॉन्च कर दो यहाँ से सबमरीन से और डिस्ट्रॉय कर दो दुश्मन की शिप्स वगैरह को। तो ये यहाँ पे इट कैन लॉन्च अटैक्स विथ बोथ टॉर्पीडोज, है ना, आपने सबमरीन और टॉर्पीडोज किसी ना किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा आई बिलीव, टॉर्पीडोज एंड ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स, है ना, एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडोज दोनों ही लॉन्च किए जा सकते हैं इसके साथ, ठीक है, या तो अंडर वाटर से करें या सरफेस से करें, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सारे टाइप के मिशंस ले सकता है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, है ना, एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी कर सकता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकता है, और इंटेलिजेंस गैदरिंग और माइन लेइंग वगैरह में भी इसका यूज़ है। तो एक बार रिवाइज कर लो, INS वागीर नाम है, स्कॉर्पिन क्लास का है, 75, है ना,
प्रोजेक्ट 75 का मेंबर है, मसगांव डॉक लिमिटेड में बना। पहला वागीर जो है वो रशिया की हेल्प से बना था, सैंडफिश के नाम पे है जो डीप सी प्रेडेटर होते हैं, कावेरी क्लास का सबमरीन है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है और टॉर्पीडो से भी लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट 75 क्या है, है ना। प्रोजेक्ट 75 जो है इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम 6 स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन बना रहे हैं, ध्यान रखना अटैक सबमरीन बना रहे हैं, ठीक है, अटैक सबमरीन। तो स्कॉर्पिन जो है ये कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन है। अब आप बोलेंगे कन्वेंशनली पावर्ड मतलब न्यूक्लियर नहीं है, कन्वेंशनली पावर्ड, ठीक है। स्कॉर्पिन कन्वेंशनली पावर्ड, लगभग 1,500 टन इसका वेट होता है, 1,500 टन, और वाटर में कितनी गहराई तक जा सकता है, 300 मीटर गहराई तक जा सकता है, ठीक है, 300 मीटर्स डीप। और इसमें सपोर्ट मिल रहा है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इंडियन नेवी का। और प्रोडक्शन कौन कर रहा है, आपको पहले बताया मैंने, मसगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, ये प्रोडक्शन कर रहा है बॉस, ठीक है, कंफर्टेबल। एक मिनट रुक जाओ, एक छोटा सा 1 सेकंड का ब्रेक, ठीक है जी। तो ये बात हो गई प्रोजेक्ट 75 की। MDL जो है ये 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बना रहा है और टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मिल रहा है कहाँ, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से, है ना। तो फ्रांस के नेवल ग्रुप से टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मिल रहा है, 6 बना रहा है, ये 5वां है उसमें से। वागीर जो है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 5th, है ना, 5th स्कॉर्पिन क्लास, तो 5 हो गए, अभी एक और बनाएगा ये, ठीक है, एक और बनाएगा। कम्फर्टेबल, समझ में आ गई बातें सारी, क्लियर है जी, ठीक है, बिल्कुल रजार में ना आए, चले आगे, समझ गए यहाँ तक की बातें। तो हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में ही अपडेट है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अपडेट है। क्या अपडेट है भाई पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अपडेट ये है कि अभी यूनेस्को ने, है ना, अभी यूनेस्को ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को किसमें इंक्लूड किया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड कर लिया गया है, है ना। आप सभी लोगों को मैंने बताया कि द हिंदू का एडिशन आज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आज हमारे पास अपडेट्स थोड़े कम है, थोड़ा छोटा सेशन होगा, बाकी जो भी अपडेट्स कल से आएंगे तो फिर कल से अपन नॉर्मल शेड्यूल में कर लेंगे, बट सेशन रुकना नहीं चाहिए, आपका शेड्यूल खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए आज भी क्लास हो रही है, ठीक है। तो शेड्यूल हमेशा बने हुआ रहना चाहिए, एक टाइम टेबल जो है आपका बना हुआ रहना चाहिए, फेस्टिवल्स आए उसमें भी थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, बट पूरे दिन को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, पूरे दिन को खराब नहीं करना है। फेस्टिवल्स आएंगे ना, आधे दिन का ब्रेक लो, पूरे दिन को खराब नहीं करो, ठीक है। तो यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को जगह दी है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तीसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड है। बाकी के दो कौन है, पचमढ़ी और अमरकंटक, है ना, पचमढ़ी और अमरकंटक, तो ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व पहले से हैं, ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व आ गया यहाँ पे, जो यह है अटोल अटॉल इन मालदीव्स हैज ऑलवेज बीन ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मालदीव वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1981 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, एस्टेब्लिश इन 1981, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है, छतरपुर और पन्ना में, है ना, छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, यहाँ पे लगभग 540 स्क्वायर किलोमीटर में ये लोकेटेड है। ये विंध्यन माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है, दिस इज सिचुएटेड इन विंध्यन माउंटेन रेंज। विंध्यन माउंटेन रेंज आपको पता है लगभग इंडिया के सेंट्रल पोर्शन में, सेंट्रल इंडिया में विंध्यन माउंटेन रेंज है, नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर, ये है विंध्यन माउंटेन रेंज, ये है नर्मदा रिवर, और यहाँ साउथ में सतपुरा माउंटेन रेंज, ठीक है। तो दिस इज विंध्यन, दिस इज नर्मदा, दिस इज सतपुरा, ठीक है। तो विंध्यन माउंटेन रेंज में लोकेटेड है ये, और नॉर्दर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का। यहाँ से एक रिवर क्रॉस हो रही है, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ से एक रिवर क्रॉस हो रही है, केन, है ना, जो
काफ़ी लीस्ट पॉल्यूटेड ट्रिब्यूटरी मानी जाती है यमुना की, है ना, वन ऑफ द लीस्ट पॉल्यूटेड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी हिंडन जैसे रिवर्स भी हैं। हिंडन जो कि दिल्ली गाजियाबाद वाले इलाके में बहती है, तो आप सोच सकते हो पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा। ठीक है, तो केन रिवर पर एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है काफ़ी फेमस, केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक प्राइमरी प्रोजेक्ट केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का काफ़ी सारा रीजन जो है वो सबमर्ज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस रीजन को जाना जाता है पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए, दिस फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। और दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पन्ना डायमंड माइनिंग फिर भी कम इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, विंध्यन माउंटेन रेंज, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एंड दिस पन्ना टाइगर रिजर्व इज बेसिकली, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर टाइगर्स, तो इसके पास टाइगर रिजर्व का भी स्टेटस है, ऑल्सो हैज अ स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व का भी स्टेटस है, यहाँ पे आपको टाइगर्स काफ़ी मिलते हैं, है ना, तो टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है ये पन्ना। अच्छा, होमवर्क देता हूँ, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, दूसरा होमवर्क, सारे होमवर्क का रिप्लाई चाहिए मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेट अस सी आज कौन कौन होमवर्क करता है, दिस इज एन ओपन चैलेंज वन अगेन, है ना, जितना ज़्यादा आप होमवर्क करेंगे उतनी ज़्यादा आप में वो सीरियसनेस आती है, है ना। तो ये ओपन चैलेंज होमवर्क आज का, कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे, वेयर डू यू फाइंड इन मध्य प्रदेश वाइट टाइगर्स, है ना, वाइट टाइगर्स मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं, इस वीडियो के कमेंट में मुझे देखना है आज शाम तक, है ना। लेट अस सी कौन होमवर्क करता है आज शाम तक, इस वीडियो के कमेंट में मुझे चाहिए कि कहाँ पर मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो दिस इज अंडर यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जानने से पहले थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं मैन एंड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो जब आप कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, जब आप कंजर्वेशन की बात करते हैं तो दो प्रकार का कंजर्वेशन हो सकता है, कंजर्वेशन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो जहां पर है वहीं पर उसका कंजर्वेशन, है ना। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट एरिया है जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, सुंदरबंस वगैरह, सुंदरबंस में ही उसका कंजर्वेशन। कोई लायन गुजरात में मिलता है तो गुजरात में उसका कंजर्वेशन, है ना। और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, कि कहीं से लाकर कहीं पे कंजर्व किया गया, कि जू में लाके कंजर्वेशन करें, एक्स सीटू हो जाएगा। बॉटनिकल गार्डन, अलग अलग जगहों से प्लांट्स को, प्लांट की वेराइटीज को, सीडलिंग्स को लाकर कंजर्व किया, वो एक्स सीटू हो जाएगा। तो वन इज इन सीटू, अनदर इज एक्स सीटू। इन सीटिंग मतलब जहाँ पर है वहीं पर, मतलब मुखर्जी नगर के बच्चों को मुखर्जी नगर में ही, है ना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। फिर दूसरा हो सकता है एक्स सीटू, मैं बोलूँगा कि मैं अगर कंजर्वेशन करूँगा तो मैं कैसा कंजर्वेशन करूँगा, मैं एक्स सीटू करूँगा। बोला यार दिल्ली का माहौल ख़राब है, तुम भी परेशान मैं भी परेशान, सारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ पर रखेंगे, बोलेंगे यहाँ पढ़ो आराम से, शुद्ध हवा, है ना, पहाड़, वादियाँ, नदियाँ, ठीक है, यहाँ आराम से पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा अगर यहाँ से मैं बच्चों को उठा के ले जाऊँ ऋषिकेश और वहाँ पे रख के पढ़ाऊँ। इन सीटू कंजर्वेशन की मुखर्जी नगर में मैं बोलूँगा कि भैया एयर प्योरीफायर लगा लो रूम में और रहो आराम से। ठीक है, तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन के भी कई प्रकार हो सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के भी कई प्रकार हो सकते हैं। एक जैसे कि हम बनाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करते हैं और फिर बनाते हैं हम क्या, नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कहाँ होता है, नेशनल पार्क में होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाई जा सकती। नेशनल पार्क से अगर अपग्रेड करेंगे तो फिर हम बना देंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में तीन एरियाज होते हैं मेनली, है ना। अच्छा, एक्स सीटू का भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको एक दो। एक्स सीटू में आपका जू आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा,
है, ये सारा आपका एक्सीटू में आ गया, एक्वेरियम वगैरह तो सारा उसमें आ जाएगा। इन सीटू में हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में तीन एरिया होता है ना, दिस इज कोर, अंदर वाले एरिया को बोलते हैं कोर, ठीक है। ये जो इंटरमीडियरी है इसको बोलते हैं बफर, है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, कोर बफर एंड ट्रांजिशन, ऐसे तीन एरियाज होते हैं यहाँ पे, कोर बफर और ट्रांजिशन, ठीक है। कोर इज हैविंग द मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। बफर जो होता है वहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड होती है। ट्रांजिशन में जो लोकल लोग हैं वहाँ के, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनका सेटलमेंट वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी ट्रांजिशनल वाले एरिया में थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है भैया, तीन रीजन्स होते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल, ये तीन रीजन्स होते हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे थे अभी, रिवर कौन सा है वहां पे, केन बेतवा। वन मोर थिंग, ये जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे किस रीजन को फायदा होने वाला है, विच रीजन इज टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। द रीजन इज बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड रीजन जो है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ड्राइस्ट रीजन इन इंडिया, है ना, वन ऑफ द वाटर थर्स्टी रीजन इन इंडिया। थोड़ा पोर्शन इसका यूपी में है, थोड़ा पोर्शन इसका एमपी में है। तो बुंदेलखंड रीजन को फायदा होगा केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से। केन जो है उसमें सरप्लस वाटर है, जो बेतवा रिवर है उसमें काफ़ी वाटर का लेवल हमेशा कम रहता है, तो डेफिसिट लेवल आप कह सकते हैं बेतवा में। केन हैज़ हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, और मैंने आपको बताया लीस्ट पॉल्यूटेड में भी है, यमुना के लीस्ट पॉल्यूटेड ट्रिब्यूटरीज में। तो ये बात है बॉस, ठीक है। अब बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया है ना। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है यूनेस्को से, है ना, यूनेस्को से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को जो रिकॉग्निशन मिलता है वो इस प्रोग्राम के अंदर मिलता है, जिस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, ठीक है बॉस। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को ने कब लॉन्च किया, 1971 में यूनेस्को लॉन्च दिस प्रोग्राम, है ना। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, ध्यान देना शब्द पे, साइंटिफिक प्रोग्राम, है ना, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है बॉस। एम क्या है, पर्पस क्या है, टू एस्टेब्लिश साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। अब आपको इकोसिस्टम का डेफिनेशन काम आएगा, जो मैंने सुबह बताया था, ह्यूमन बींग्स और उनका सराउंडिंग, है ना, लिविंग क्रिएचर्स और उनका सराउंडिंग। तो यहाँ पर नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लिविंग सराउंडिंग की भी बात हो रही है ना। वहाँ पे हम बात कर रहे थे लिविंग क्रिएचर्स प्लस उनका नॉन लिविंग सराउंडिंग। मैन एंड बायोस्फीयर बात कर रहा है किस चीज़ की, मैन एंड बायोस्फीयर बात कर रहा है ह्यूमन बींग्स और उनका सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग में इंक्लूडिंग जो वाइल्ड लाइफ है उसको इंक्लूड, है ना, फॉरेस्ट है उसको इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो ये बात हो गया किसका, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट, दिस इज अबाउट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। हर साल यूनेस्को जो है वो डेजिग्नेट करता है नए बायोस्फीयर रिजर्व एंड रिमूव्स अदर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिजॉल्व मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। चलिए, तो दो आस्पेक्ट हो गए, एक तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, जैव विविधता का कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, है ना, जैव विविधता। तो अभी एक डेढ़ साल पहले की बात है, दो साल हो गए मुझे शायद, मैं एक कोचिंग में गया तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आ गए, सर हम भी पढ़ेंगे, मैं यार आती वाती नहीं है हिंदी, फिर वो लोग डायरेक्टर के पास पहुँच गए, सर हम भी पढ़ेंगे सर से ही, मैं भैया आती नहीं है सर। तो उन्होंने बोला यार पढ़ा दो पढ़ा दो, तो उन्होंने बोला कि हिंदी का मटेरियल ले लो, मैंने सर आती नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि हिंदी में पढ़ा दे, मतलब हिंदी में पढ़ा दे मतलब फिर वो तो बच्चों के साथ थोड़ा अनजस्टिस हो जाएगा ना, मैं उनको इकोसिस्टम बोलूँगा उसका हिंदी नहीं बोलूँगा, मुझे पता ही नहीं। तो उस दिन फिर मुझे बोला कि ये बुकलेट ले लो, इसमें देख लेना, हालांकि मैंने बुकलेट में कुछ देखा नहीं, ठीक है, इसमें थोड़े हिंदी के टर्म्स मिल जाएंगे। तो बुकलेट के कवर पे लिखा हुआ था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मैंने बोला भाई ये क्या शब्द है, पहले तो मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, मैं पारिस्थितिकी इसका क्या मतलब है, बोला सर वो इकोसिस्टम है ना, वही है। अरे भाई गजब, इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी बोलते हैं, हमको पता ही नहीं था। तो हाँ जी, साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। तो दो पर्पस हो गया, एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाना, एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वैसे अगर मैं फैक्ट
बताऊं, है ना, तो ये इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। बट अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे तो अपने आप मैन एनिमल कॉन्ट्रैक्ट बच जाएगा बॉस, है ना, कम हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। मैन एंड बायोस्फीयर जो है वो कंबाइन करते हैं नेचुरल एंड सोशल साइंसेज को, है ना, कंबाइंस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंस, सबका क्या है, फ्यूजन है। पर्पस जो ह्यूमन लिवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, है ना, जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसका जो बेनिफिट है उसका इक्विटेबल शेयरिंग, नेचुरल और जो मैनेज्ड इकोसिस्टम है उनका सेफगार्ड, सिर्फ नेचुरल नहीं मैनेज्ड इकोसिस्टम भी, है ना, मैनेज्ड इकोसिस्टम भी। दस प्रमोटिंग इनोवेटिव अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट आर सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, ये वाला ध्यान रख लेना। ये डायरेक्ट आपको यूनेस्को की वेबसाइट से, यूनेस्को का जो डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्टिव जहाँ पे मेंशन है, उनका मिशन और विजन जहाँ पे मेंशन है, वहीं से लिया गया है ये लाइन। ये लाइन देखो, ठीक है, क्या है, प्रमोटिंग इनोवेटिव अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट आर सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोशली, सामाजिक रूप से और कल्चरली अप्रोप्रिएट हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन पूछती है ना, तो उनके वेबसाइट पे या उनके मिशन डॉक्यूमेंट में जो स्टेटमेंट लिखा होता है डायरेक्ट एज इट इज, वही स्टेटमेंट उठाकर पूछ देती है। आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वगैरह के बारे में पूछा हुआ है, डायरेक्ट एज इट इज जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो लाइन लिखी है वही पूछ देती है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है जी, समझ गए बात। चाहे वो विविधता, हंसी उड़ा रहे हो तुम लोग मेरी, है सही बात नहीं है, गलत बात है, सही बात नहीं है, गलत बात है, ठीक है। वाइल्ड टाइगर नहीं पूछा था मैंने, व्हाइट टाइगर पूछा था, व्हाइट सफेद, है ना, सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है जी। वीडियो के कमेंट में चाहिए मुझे आज सबके, देखते हैं कौन कौन होमवर्क करता है, और इससे पहले भी एक होमवर्क दिया था शायद मैंने, हाँ, कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो, क्या होमवर्क दिया था, आसियान के मेंबर हैं और बिम्स्टेक के मेंबर, है ना, आसियान और बिम्स्टेक दोनों के कॉमन मेंबर्स, ठीक है। उसके साथ साथ एक और कर लेना, सार्क के भी मेंबर देख लेना है, और ये देखना फिर कि जो बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं वो सार्क, है ना, बिम्स्टेक के कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो, बता देता हूँ क्या होमवर्क दे रहा हूँ, पहले देखना बिम्स्टेक के मेंबर्स, है ना, बिम्स्टेक के मेंबर्स देखे, फिर आप देखना सार्क के मेंबर्स, फिर आप देखना आसियान के मेंबर्स, ठीक है, तीनों के मेंबर देखोगे फिर देखना कि कॉमन कौन कौन से हैं, है ना, बिम्स्टेक के ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो सार्क के भी मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक के ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो आसियान के भी मेंबर्स हैं। ये आपका होमवर्क, मजा आएगा ये करने में आपको, मजा आएगा, है ना, मजा आएगा, इससे कुछ निकल के भी आएगा, देखना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, क्या कंक्लूजन निकल के आएगा पहले करो फिर बताऊंगा कल, ठीक है। तो ये था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, इसके अलावा आज कुछ है नहीं, न्यूज़पेपर आया ही नहीं, ये तो बस ऐसी कुछ रीसेंट डेज में जो चल रहा था वो हमने उठा लिया, आज तो न्यूज़पेपर की है छुट्टी द हिंदू की। तो कल फिर मिलेंगे, डिटेल में बात करेंगे, रोज़ ये क्लास होती है 7:30 बजे, 7:30 इज द टाइमिंग, 7:30 AM। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो पुराने वाले टेलीग्राम चैनल पे, तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए पुराने वाले पे तो नए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, @arohan1 पे, arohan1 पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस की सारे अपडेट्स, सारे लिंक वगैरह मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्लास की शेड्यूल क्या होती है, आज तो संडे है, पोस्ट दिवाली डे है, तो थोड़ा शेड्यूल अलग है। इसके अलावा जो डेली शेड्यूल होती है वो 5 AM, 7:30 AM और 7 PM, ये शेड्यूल है, और फिर 8 PM, ऐसा शेड्यूल है, डेली का ये शेड्यूल है। आज थोड़ा अलग है, आज सिर्फ मॉर्निंग की क्लास थी, इवनिंग की नहीं है। दिवाली एंजॉय कीजिए, छोटी दिवाली, है ना, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, वॉट एवर यू कॉल इट। आरोहन वन, AARON, आरोहन वन चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए मुझे, वहाँ पे आपको क्लास के अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अभी नेक्स्ट वीक से, अपकमिंग वीक से नया बैच शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आप कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे कवर कर सकते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। सारी की सारी क्लासेस लाइव भी होती हैं, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अच्छा, आज सुबह की क्लास अगर किसी ने मिस कर दी है तो देख लीजिएगा, 5 AM वाली, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एवरीवन मस्ट वॉच इट। अगर सुबह की क्लास किसी ने मिस की है तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो।
ठीक है, समझ गए। पीडीएफ सेंड कर देंगे, आज पक्का कर देंगे, जो पिछले दिन के पेंडिंग है वो भी आज कर दूंगा, डू नॉट वरी। ठीक है, तो आप अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हैं, डीएन लाइव कोड यूज कर लीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, बाकी आपको मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा। 1 ईयर का फीस 44,000 है, 2 ईयर का फीस 64,000 है, 3 ईयर का 81 है, ये फीस स्ट्रक्चर है, बाकी आपको कोड पता ही है। आज ही आराम से नेक्स्ट वीक से नया बैच भी शुरू कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें, खूब ध्यान रहे, खूब मिठाइयाँ खाएं, पर ध्यान रहे जो मजा मस्ती है वो ज़रूरी है, पर मजा मस्ती के साथ साथ एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, क्या? पढ़ाई। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो मजा मस्ती करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे अपना। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू यू, लेट्स क्रैक इट।